जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वारोपी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से कहा है 15 मार्च तक एरियर का भुगतान हो, उसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी। लेकिन पहली बार देखेंगे कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो वकील थे, इनके बीच में क्या बात हुई है, पूरा एक एक अंश आप सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एक्स सर्विसमैन कमेटी के जो वकील थे, अहमदी साहब थे, उन्होंने दलील रखी एक्स सर्विसमैन कमेटी की तरफ से, और सरकार की पक्ष रख रहे थे सरकारी वकील, तो दोनों की बात सुनाएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहली बार माना कि सरकार पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिक, डिफेंस पेंशनर्स को मूर्ख बना रही है, तो पहली बार माना है। तो पूरा अंश देखते हैं क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कल 9 तारीख को सुनवाई हुई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 तारीख से 15 यानी 15 मार्च तक एरियर का भुगतान करना होगा, चाहे एक किस्त में करें या 4 किस्त में, तो इनको भुगतान करना होगा। इसके बाद बताते सुनवाई के एक एक अंश हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। पहले तो हिंदी में भी एक साइड में मैंने इसको कर दिया है, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं सुनवाई के एक एक अंश। सबसे पहले तो बता दें, जो एजीआर वेंकटरन मणि थे, उन्होंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहा हूं, यानी कि आरोपी पर, उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आरोपी पर निगरानी रख रहा हूं, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, यानी कि 25,000 पेंशन भोगी हैं, जिनको पेंशन भोगी हैं जिनकी अंक तालिका, यानी कि तालिका जो टेबल जिसको बोलते हैं, वो आरोपी टेबल पुनरीक्षण यानी कि मंत्रालय के पास आ गई है, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जो ओआरओपी की टेबल है वो आ चुकी है। यह रक्षा मंत्रालय के वित्त खातों के साथ है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के वित्त खातों के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकाउंट को दे दी गई है, हैंड ओवर कर दी गई है। उन्होंने, ये सरकारी वकील थे, उन्होंने ये बात कही। इसके बाद जो सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी थे, जो कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी मूवमेंट के जो वकील थे, उन्होंने क्या बात कही, 4 लाख पेंशन भोगी पेंशन का इंतजार में मर चुके हैं, यानी पेंशन का इंतजार करते करते मर चुके हैं। यही कारण है, पिछली बार भी बताया गया था कि ओआरओपी का अभी कुछ बाकी है, ये पिछली बार भी ऐसा कहा गया था। अब जनवरी में वे कहते हैं कि इसे 4 मासिक किस्तों में दिया जाएगा, यानी कि अब जनवरी में भी ये कह रहे हैं, वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये एक्स सर्विसमैन के वकील ने कहा है कि ये दोबारा वही बात कह रहे हैं। इसको आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इसको हिंदी में मैंने कर लिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद अहमदी ने फिर कहा, अब इसका इस्तेमाल समानता को नुकसान नकारने के लिए भी किया जा सकता है, कम से कम एक किस्त में भुगतान किया जाए। इन्होंने कहा कि जब इतना लेट कर ही दिया है तो कम से कम एक किस्त में भुगतान किया जाए, करना होगा, तो सीजीआई कृपया इसे देखे, 15 मार्च 2023 तक किया जाना है, तो एक किस्त में दे। ये एक्स सर्विसमैन के जो वकील हैं उनका कहना है कि एक किस्त में करें अगर 15 मार्च तक किया जाना है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। सीजीआई, फिर सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, एजी का कहना है कि रक्षा लेखा नियंत्रण इलाहाबाद द्वारा 25 लाख पेंशनरों के लिए सारणी का काम कर लिया गया है, अब यह रक्षा मंत्रालय के पास लंबित है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास आ चुकी है। इसका मतलब भी कोई टेंशन नहीं है, 15 मार्च 2023 तक इसको हम कर दे रहे हैं, जिससे कि इनको देने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एमडी ने फिर कहा कि अब वे 4 किस्तों में भुगतान कर रहे हैं, यानी कि 4 किस्तों में भुगतान देने के लिए 4 इंस्टॉलमेंट में कह रहे हैं, तो इसको अब आप इसको कम करके एक इंस्टॉलमेंट में किया जाए। इसके बाद सीजीआई ने फिर कहा है कि उन्हें 15 मार्च 2023 तक का पूरा समय दिया जा रहा है, जिसके कारण जो भी उनकी कोई मुद्दा है तो वो ऐसा मुद्दा सुलझा ले, और 15 मार्च तक इसका टाइम दिया जा रहा है, इसके बाद कोई हमारे पास अगर आ रहे हैं तो पूरा मुद्दा लेके आएंगे, क्या रीजन रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत आए हमारे पास, अगर 15 मार्च तक ये पेड़ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कह दिया है सीजीआई ने कि 15 मार्च के बाद हम ऐसा कुछ नहीं सुनने वाले हैं। इसके बाद सीजीआई ने कहा, कृपया देखें, रक्षा मंत्रालय कहा, कृपया देखें कि भुगतान और किस्तों में कोई देरी नहीं हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि भुगतान 2019 से दे है, 2019 से दे था, इसमें अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कह दिया है, नो डिले,
इन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट सिंस पेमेंट वॉज ड्यू इन 2019, यानी कि अब डिले की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल क्लियर कह दिया है। तो बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इनको भी लगा कि यार बहुत दिनों से ऐसे ही सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, टरका रही है, तो अब पहली बार ऐसा कहा है कि अब डिले होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।